तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को फार्मा बनाने के दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और ये कुछ सीट जो मैंने खरीद के लाया था मार्केट से, तो ये सीट फ्रेंड्स इसी के साथ में था, ये वाला सीट इसी के साथ में था। तो पर यह बहुत बड़ा सीट हो जाना था, तो अभी मैं इसको काट के छोटा छोटा कर दिया। देख सकते हैं बहुत बड़ा सीट था यह, तो इसको थोड़ा सा हम काट के छोटा कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा बनाने का कोई मकसद ही नहीं था। थोड़ा छोट होगा फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बार बार पूछते हैं कि किसका ये सीट है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेंड्स इसमें जो जो स्विच लगाते हैं हम लोग, जो घर में बिजली के लिए इस्तेमाल होता है, वही सीट है ये, इसी को सीट बोलते हैं। और ये सीट लाया है, छोटा वाला सीट लाया है, तो इसमें मोल्डिंग के लिए हम फार्मा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये सीट को मैंने क्या करना है, हमको इसमें दो भाग में करना है, क्योंकि इतना बड़ा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें हम पहले बीचा बीची दो भाग कर लेते हैं, और एक भाग में मैं डिज़ाइन बैठा के आप लोगों को दिखाऊंगा, इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। तो फिलहाल में मैं एक ही आप लोगों को बताऊंगा बना के, एक साइड से किसी साइड से बनाऊंगा। पहले इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं, उसके बाद से आप लोग को हम दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि इसको हमने काट दिया हूँ, इसको दो भाग में कर दिया हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक पीस को रखते हैं साइड में और एक पीस पे हम लोग बैठाएंगे डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन बैठाने के लिए आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में, और जो भाई वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। इसके लिए एक रुपया का कॉइन ले लीजिएगा, छोटा वाला कॉइन, और उसके बाद से आप मार्कर ले सकते हैं, नहीं तो पेंसिल होगा तो पेंसिल ले सकते हैं, ठीक है। और आपको एक एक्स्ट्रा ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगा, और एक आप लोगों को छोटा वाला रेती का ज़रूरत पड़ेगा, जो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये वाला छोटा वाला रेती हो गया। तो ये कटिंग करने के लिए जब ये रेक माल लगाते हैं उस समय इसको काम पड़ता है, तो अभी इसका ज़रूरत नहीं है, और एक सबलेट का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दो टॉक बनाएंगे, ठीक है। टॉक चलिए हम बनाते बनाते हैं, बना के दिखाते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि हमने टॉक के लिए निशान लगा दिए हैं। तो ये टॉक के लिए हो गया, इधर से टॉक निकला, इधर से टॉक निकला, ठीक है। और अब हमको गुलाई बनाना है इसमें, तो कितना गुलाई बैठाएंगे आप देखते रहिए वीडियो में, और 1 रुपया कौन से इसका गुलाई हम बैठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कौन जो कैसे गुलाई बैठाते हैं, चलिए अब देख लीजिए कि एक कौन है ना, तो एक कौन है कि एक कौन से आप लोगों को इतना सा गुलाई बनाना है, इतना ही से गुलाई बनाना है, ठीक है। आधा समझ लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, मतलब आधा ही गुलाई बनाना है, ठीक है। ज़्यादा गुलाई नहीं बनाइएगा, नहीं तो बड़ा सा फार्म बन जाएगा आपका। चलिए यहाँ से हो गया एक गुलाई, ऐसे भी फिलहाल फ्रेंड्स ये बड़ा ही गुलाई बन रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गुलाई हो रहा है इसका। तो चलिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच, तो कुछ इस तरीके से करके आप गुलाई बनाइएगा। ये कृपया कौन से,